एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आखिर ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो चाहकर भी नहीं कह पा रहे हैं। तो इस पर्सन के मैसेजेस देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना हमारा ये ज़रूरी बनता है कि आखिर आपसे कह क्यों नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जो चाहते तो हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है? तो पहले ये देखा जाएगा, फिर ये देखा जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं, और साथ में ये भी देखा जाएगा कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है आगे की कि ये आपसे बात करें और ये सब कहें, और कब तक। ठीक है, तो इतने सारे सवालों को आज हम चेक करेंगे। आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कि आखिर ये आपसे कह क्यों नहीं पा रहे हैं, ना कहने के पीछे की वजह क्या है। ठीक है, रीडिंग के दौरान अपना फोकस पूरा का पूरा अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखिएगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ताकि आप रीडिंग से कनेक्ट हो पाए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। टीच व्यूअर्स के पर्सन आके व्यूअर्स से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बात ना करने के पीछे की वजह बताइए यूनिवर्स। स्ट्रेटनिंग बॉन्ड्स, रीच आउट, मूविंग ऑन, ऑब्जर्व एंड ओवरऑल एनर्जी है टेक द लीड। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के बात ना करने के पीछे की वजह क्या है, गाइड कीजिए, बताइए। आखिर ये खुद से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, चाह कर भी ये पर्सन क्यों नहीं बता रहे हैं। कॉन्शियसनेस गाइड कीजिए, बताइए। आखिर व्यूअर्स के पर्सन चाह कर भी क्यों नहीं बता रहे हैं, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के चाह कर भी ना बताने के पीछे की वजह बताइए, गाइड कीजिए। एक्सप्लेनेशन, व्यूअर्स के पर्सन के चाह कर भी ना बताने के पीछे की वजह मैच्योरिटी। ऑब्जर्व को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स इस मामले में चाह कर भी ना बताने के पीछे की वजह। स्ट्रेस एंड ओवरऑल एनर्जी है माइंड। तो सबसे पहले मैं एनर्जीज डिस्कस करूंगी। जैसे यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में मुझे दिखाई दिए हैं। उसके अलग यहाँ पर कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे। ठीक है, नंबर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 यानी कि मार्च मंथ की बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। एज एन ये इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे, बिछड़े थे, या फिर ये मंथ जो है वो आपकी एनिवर्सरी मंथ हो, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे। लेकिन ज़बरदस्ती मैं फिर से आपसे यही कहना चाहती हूँ, आपको कुछ भी अपने आप से रिलेट नहीं कराना है, इवन आपको रीडिंग को भी अपने आप से ज़बरदस्ती रिलेट नहीं कराना है। सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर ये पर्सन आपसे चाह कर भी कुछ कह क्यों नहीं पा रहे हैं। देखो, मुझे यहाँ पर जैसे कि ओवरऑल एनर्जी दिखाई दी है टेक द लीड, जो ये पूरी तरह से इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन की लाइफ के, इस पर्सन के फ्यूचर के जो भी फैसले होते हैं या फैसलों को लेकर जो भी लीड होती है ना, उसके लीडर ये नहीं है। अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, उन इनकी लाइफ के जो भी डिसीजंस हैं, यहाँ पर डेफिनेटली कोई और ले रहा है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन ले रहा है जो बेसिकली इन्हें हर एक बात सिखाता है या सिखाती है, अपने मन मुताबिक इन्हें चलाता है या चलाती है। अब ये यहाँ पर कोई भी हो सकते हैं, एज एन हो सकता है आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो, तो उसके बेसिस पर इस पर्सन को सिखाया जा रहा है। आप लोगों के बीच में एज गैप, कास्ट का डिफरेंस है, या फिर स्टेटस का डिफरेंसेस है, या फिर आप लोग में से एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, तो डिफरेंसेस जो भी हैं आप लोगों के बीच में, तो यहाँ पर ये कोशिश करी जा रही है कि इस पर्सन के
रोम रोम में ये बात सेट हो जाए इस पर्सन के दिमाग के जितने भी पुर्जे हैं ना, उसमें ये बात पूरी तरह से सेट हो जानी चाहिए कि भाई इनकी लाइफ के जो भी फैसले हैं वो ये लेंगे, ना कि ये, इसे लेने वाली ये खुद कोई भी नहीं होते हैं। और ये पर्सन ना इनसे अपनी लाइफ के जो भी राइट्स है ना वो लेने के लिए ये पर्सन वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे, उनसे फाइट ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में है कि अपने हक के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं, ठीक है, फाइटिंग है, लड़ना ज़रूर से चाहते हैं, लेकिन वो लड़ने की जो खुंदस है ना वो अंदर ही अंदर रह जाती है, बाहर वो निकल नहीं पाती है। बाहर निकलने में इस पर्सन की पूरी स्ट्रेंथ जो है वो डाउन पड़ जाती है। तो यहाँ पर ये वजह मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आप तक इसीलिए रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये वहाँ पर इस पर्सन पर डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा निगाहें रखे हुए हैं कि ये क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि ऑब्जर्व यहाँ पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा करा जा रहा है जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये इस चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है इन्हें कि जैसे कि इससे फाइट करें, बट यहाँ पर अगेन स्ट्रेंथ की इस पर्सन के अंदर कमी पड़ जाती है। अंदर ही अंदर ये पर्सन घुट रहे हैं कि आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, आप तक पहुँचने की बजाय इन्हें आपसे मतलब दूर ही जाना पड़ रहा है, लगातार ये दूर जाने पर ही अपने आप को फोर्स कर रहे हैं या इन्हें फोर्स करा जा रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन जो आपसे चाह कर भी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपसे बात करने की बजाय आपसे दूर ही जा रहे हैं, उसके पीछे की ये वजह है कि इस पर्सन को इसी तरह से शिक्षा दी जा रही है, इसी तरह से इस पर्सन की लीड ली जा रही है, इन्हें ऑब्जर्व करा जा रहा है, इवन इस पर्सन के दिमाग को भी जैसे पढ़ा जा रहा हो, तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते होंगे, आपसे भी जब थोड़ी बहुत बात होती होगी तो वहाँ पे इनका स्ट्रेस, इनका गुस्सा आपको नज़र आता होगा। तो आपको तो ये लग रहा है कि मुझसे गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा ना इनका उन पर उतरने की बजाय आप पर उतर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उन पर तो अपना गुस्सा नहीं उतार पा रहे हैं, तो वो गुस्सा इनका आप पर उतर रहा है। ये अपनी लाइफ के कोई भी फैसले ना अपने आप से नहीं ले पा रहे हैं। अब यहाँ पर ये कौन है, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है भाई इनके परिवार में से कोई हो, या फिर इनके परिवार में जो इनका रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, जैसे बाबा वगैरह को बहुत से लोग मानते हैं, तो इस रीज़न की वजह से वो बहुत स्ट्रिक्ट है, ये उसके खिलाफ नहीं जा पा रहे हैं। आप लोगों के बीच में कास्ट डिफरेंसेस हैं, तो डेफिनेटली अपने कास्ट से अलग जाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, इसीलिए ये पर्सन आपसे चाह कर भी नहीं कह पा रहे हैं। अब सवाल नेक्स्ट है हमारा, कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, वो देखते हैं टैरो से। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं आप, गाइड कीजिए बताइए, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे हैं। यह टावर, नाइट ऑफ सोल, के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, व्यूअर्स से गाइड कीजिए, बताइए नंबर, ओवरऑल एनर्जी के सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एनर्जीज ओवरऑल सभी हो गई थी, तो वापस से एनर्जीज डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर 5 यानी कि आपका मई मंथ, ये बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, और काफ़ी लोगों के बीच में तो यहाँ पर एज गैप भी दिखाई दे रहा है, यानी कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो आप लोगों के बीच में डेफिनेटली यहाँ पर एज गैप है, चाहे आप छोटे हो या ये पर्सन आपसे छोटे क्यों ना हो। अब सवाल है कि आपसे ये कहना क्या चाह रहे हैं,
देखिए बेसिकली ये पर्सन ना आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ में ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी हमारी लाइफ में ये सेपरेशन, ब्रेकअप, ये दूरियां जो भी हम लोगों के बीच में आई है ना, ये डेफिनेटली हमारा एक इम्तिहान चल रहा है। ये हमारे प्यार की शायद एक परीक्षा है जिसमें हमारे ऊपर है कि हम इस परीक्षा को, इस इम्तिहान को जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। और वो तभी तय होगा जब हम दोनों एक दूसरे का वेट करेंगे और सही वक्त का इंतज़ार करेंगे। तो मैं सिर्फ यहाँ पर वही इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ ताकि मैं इस परीक्षा को, इस एग्ज़ाम को पास कर सकूँ, इस एग्ज़ाम का जो आउटकम हो ताकि वो मेरे फेवर में, तुम्हारे फेवर में, हमारे प्यार के फेवर में हो। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार अभी भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और हालांकि ये इंतज़ार मुझे बहुत परेशान कर जाता है, मुझे अकेला कर जाता है, मुझे स्टक कर जाता है, मुझे एकदम से तन्हा कर जाता है, लेकिन मैं फिर भी इस अकेलेपन में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें याद करता हूँ या करती हूँ, तुम्हारा साथ ही मैं ढूंढता हूँ या ढूंढती हूँ। जितने भी पल मैं तुम्हारे साथ रहा या रही, जितने भी पल मैंने तुम्हारे साथ एक खूबसूरत पल को जिया, वो पल, वो खूबसूरत पल मुझे इस अकेलेपन में याद आते हैं और उन्हीं के सहारे मैं शायद आज की डेट में जिंदा भी हूँ। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें ब्लॉक इसीलिए करा है क्योंकि मैं नहीं चाहता या चाहती कि तुम उस दर्द से गुजरो जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, या मैंने तुम्हारी तरफ इतनी दीवारें इसीलिए खड़ी करी हैं ताकि तुम मेरी तरफ ना आओ और ना मैं तुम्हारी तरफ आऊँ और हम दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़े, एक दूसरे के दर्द को देखकर अपने आप को दर्द दे बैठे। मैं अपने दर्द को एक बार को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ या सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे दर्द को मैं देखकर जी नहीं पाऊँगा या पाऊँगी, या मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा या पाऊँगी। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो अगर किस्मत में हम दोनों का साथ है ना, हम लोगों के बीच में चाहे कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, कितने भी मन मुटाव क्यों ना हो, लेकिन अगर हम लोगों का साथ इस किस्मत में हमारे गॉड ने, हमारे यूनिवर्स ने लिखा होगा ना, तो हम डेफिनेटली यहाँ पर मिलेंगे। और उसी उम्मीद के सहारे मैं अकेले रहकर भी जिंदा हूँ और वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इन्होंने ना लोगों के कहने के हिसाब से भले आपको, आपके साथ को सरेंडर कर दिया है, लेकिन फिर भी ये ना यही उम्मीद लगाए बैठे हैं या ये फिर भी यही आशा रखते हैं कि, या इसी चीज़ पर इनका ध्यान है कि हम दोनों डेफिनेटली वापस से मिलेंगे। ये आपसे इवन ये भी बताना चाहते हैं कि ये आप तक अपनी तरफ से इसीलिए कुछ मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि इन्हें ना आपको, आपके साथ को, इस कनेक्शन को भूल जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, यानी कि आपसे दूर इन्हें भेजा जा रहा है जो इनसे हो नहीं रहा। ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि मैंने ना तुम्हें लोगों की नज़रों में भले दूर कर दिया हूँ या मैं तुमसे कोसों दूर आ गया हूँ या आ गई हूँ, या फिज़िकली भले हम दोनों के बीच में बहुत दूरियाँ हैं, लेकिन मेरे दिल के करीब तुम ही हो, तुमसे ज़्यादा करीब मेरे दिल के और कोई भी नहीं है। और आपसे ये भी कहना चाहते हैं बिना तुम्हारे मैं क्या दर्द झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, ये मैं जानता हूँ या जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये दर्द ना तो देना चाहता या चाहती और ना मैं तुम्हें अपना दर्द दिखाना चाहता या चाहती हूँ। इसीलिए मैंने ये इंतज़ार जो है वो अपने हिस्से डाला है और तुम्हारे को इस इंतज़ार से दूर मैंने कर दिया है। ऐसा कि तुम मेरा इंतज़ार मत करो लेकिन मैं तुम्हारा ता उम्र तक इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि हाँ मेरे में स्ट्रेंथ कम है, हाँ मैं लड़ नहीं पा रहा या पा रही, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करने से कोई नहीं रोक सकता या रोक सकती। इस चीज़ के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, उस चीज़ के लिए मैंने अपने आप को पूरी तरह से समझा रखा है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं अल्टीमेटली कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अपनी साइड से इस कनेक्शन में
जो इनसे बन पा रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप इनका इंतजार करो। अगर आपको आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं, आगे बढ़ने के रास्ते मिल रहे हैं, तो आप इनका इंतजार मत करो। आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप उस दर्द से गुजरो इंतजार करके जिस दर्द से ये गुजर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है, उस कनेक्शन को कहीं ना कहीं ये पर्सन एडमायर करते हैं, उस कनेक्शन की पूजा करते हैं। तो ऐसा भी ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे ही नहीं मिल जाता कोई किसी रास्ते पे चलते चलते। ठीक है, एज एन एक शायरी ही है ये, लेकिन जैसे कि ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं, हो सकता है इन्हें शायरी का शौक भी हो अब, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। और देखते हैं इस पर्सन के मैसेजेस आपसे और क्या कहना चाह रहे हैं, जो एक्चुअली में देखो ये चाहते तो हैं कहना, लेकिन डेफिनेटली कह भी नहीं पा रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए और क्या कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स से गाइड कीजिए, बताइए। आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये डरते हैं आप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इनके मन में इस तरह का डर डाला गया है कि अगर ये आप तक पहुंचे ना कहीं हो सकता है आपके साथ कुछ गलत हो जाए, आपका कुछ गलत कर दिया जाए। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी है कि इस पर्सन के मन में कुछ इस तरह का डर डाला गया है कि भाई अगर ये आप तक पहुंचे तो आपका कुछ नुकसान हो जाएगा, और इसीलिए ये पर्सन ना आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, या आपके चारों तरफ इन्होंने दीवारें खड़ी कर रखी हैं ताकि आप इन तक ना पहुंचो, क्योंकि डरे हुए तो ये पर्सन डेफिनेटली हैं। ठीक है, आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर्ड, तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो कॉल करने में तो डेफिनेटली ये नर्वस ही फील कर रहे हैं, क्योंकि इनके मन में किसी तरह का तो डर डाला गया है। और आपसे कहना चाह रहे हैं, मैं खुद से तो तुमसे बात करने से काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन जैसे तुम्हें मैं इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या तुम मुझे जो इग्नोर कर रहे हो वो मुझे पसंद भी नहीं आ रहा, वो ये मैं चाहता भी नहीं हूँ या चाहती भी नहीं हूँ। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, आपसे कहना चाह रहे हैं मैं तो हर एक डिज़ायर जो तुम्हारी है मुझसे, जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं मुझसे, मैं उन सभी को महसूस कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, अभी भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो भी अभी सोशल मीडिया पे डाल भी रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए डाल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करने के लिए डाल रहे हैं, ताकि तुम्हारे मन में ये चीज़ें हो कि मैं तुमसे मूव ऑन कर गया या कर गई, ताकि तुम्हारे को मूव ऑन करने में आसानी रहे। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये आपके सपने बहुत ज़्यादा देखते हैं, आप इनके सपनों में हद से ज़्यादा आते हो। योर सेक्सी बॉडी हैज़ टू बी ड्रॉलिंग, यानी कि अगर आप लोगों का जो कनेक्शन है वो अट्रैक्शन से शुरू हुआ था, तो डेफिनेटली वो अट्रैक्शन इनका अभी भी है आपके लिए, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, आपसे कहना चाह रहे हैं तुम ही तो वो इंसान हो जिसने मुझे प्यार की कदर करनी सिखाई, प्यार में कैसा इंसान महसूस करता है या करती है वो सब तुमने ही तो मुझे महसूस करना सिखाया, जो मैंने कभी भी नहीं करा था। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, मैं तो अभी भी यही चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में जो भी चीज़ें खराब हो रही हैं ना वो सही हो जाए। ठीक है, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, आपसे कहना चाह रहे थे कि मैं तुम्हारे बारे में कल रात भी सोच रहा था या रही थी, और मैं तो तुम्हारे बारे में हर वक्त हर पल सोचता ही रहता हूँ या रहती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, आपसे कहना चाह रहे हैं या चाहते हैं ये कि ये तो आपको ही प्यार करना चाहते हैं, या आप ही को प्यार अपना जो है इनका वो आप ही को देना चाहते हैं बस, और किसी को भी नहीं। आई डोंट लाइक वेन यू इग्नोर मी, मुझे पसंद नहीं आता जब तुम मुझे इग्नोर करते हो, लेकिन इस वक्त में इन्हें आपको इग्नोर करना पड़ रहा है, और आपको कहीं ना कहीं ये कह भी रहे हैं कि भाई तुम मुझे इग्नोर करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, जबकि वो चीज़ें इन्हें खुद को पसंद नहीं आ रही हैं। ऑल आई रियली वॉन्ट इस टू सी यू अगेन, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, बेसिकली आपको फिर से देखना चाह रहे हैं इन सभी चीज़ों के चलते हुए भी, लेकिन हालात इनके ने ये चीज़ें देखने के लिए भी जैसे इन्हें रोक रहे हूँ, तो ये भी यहाँ पर है। ठीक है,
तो देखिए अगर आप लोगों की ये सिचुएशन है तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए रीडिंग है, और देख लेते हैं कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है इस पर्सन की तरफ से आपके पास कोई एक्शंस आने की या नहीं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्केंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स के पास कोई एक्शंस आने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। पहला कार्ड तो आया है आपका एट ऑफ सोर्ड्स, मैं यहाँ पर थ्री कार्ड्स निकाल लूँगी। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स के पास कोई एक्शंस आने की, कॉल आने की कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं, गाइड कीजिए, बताइए। टेन ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और दीजिए, बताइए कोई एक्शंस आने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। द लवर्स, ओके, तो भाई देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी तो है कि ये पर्सन आप तक रीच आउट करें, जैसा कि ये कहना भी चाह ही रहे हैं आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में कि आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, ये इस वक्त में डेफिनेटली स्टक है, डेफिनेटली इस वक्त में एक विक्टिम ही बने हुए हैं अपने परिवार के आगे, हेल्पलेस ही हुए हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन ना आप तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, वक्त लग रहा है, लेकिन इनका वक्त जैसे कि यहाँ पर इनका साथ ज़रूर से देगा। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली। काफ़ी लोग तो मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से आपके पास एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। एज एन जैसे कि कहते हैं ना कि आपका आमना सामना ज़रूर से यहाँ पर होगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं यहाँ पर। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स के पास एक्शंस आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, गाइड कीजिए, बताइए। तो फूल, फूल एक नई शुरुआत को बताता है, यस को डिनोट करता है, तो पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी बोला और यहाँ पे भी ये पॉसिबिलिटीज़ बनी ही है। ठीक है, ये देखो फिर से लवर्स का ही कार्ड आया है और इसी चीज़ को डिनोट कर रहा है कि इस पर्सन की तरफ से आपके पास एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं। ठीक है, द स्टार, जी हाँ, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इस उम्मीद के सारे पर्सन बैठे हैं ना, वो उम्मीद ही इस पर्सन को आपकी तरफ लेकर आएगी एक नई शुरुआत करने के लिए, आप दोनों को आमने सामने ज़रूर से लेकर आएगी। तो ऐसे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है, 6 से लेकर 8 हफ्तों के बीच में मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही है काफ़ी लोगों के बीच में कि इस पर्सन की तरफ से आपके पास एक्शंस आ सकता है, इनकी तरफ से आपके पास अपनी दिल की बातें कहने के लिए एक मैसेज ज़रूर से आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि क्या कहना चाह रहे हैं, ये आपसे क्यों नहीं कह पा रहे हैं और कब तक कहने की पॉसिबिलिटीज़ है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय बाय।